Hi, Helko. Assalamualaikum. I hope everyone is okay. Allah bless you. Today is something new. No cooking, no talking, sewing and cutting. जैसे कि आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत 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 रिक्वेस्ट, जो जानते हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और बहुत अच्छी सोइंग करती हूँ मेरे ख्याल में. एक मिनट मलिहा पहले मेरे पास आई, अब नाफिया के पास. और पता है क्या कहा है मलिहा? किचन में है, ये किचन से कॉल कर रही है. सब ने मुझे इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स और मेरे मुझे ईमेल भी लोगों ने भेजे हैं, फेसबुक पे भी और इनबॉक्स किया है कि हमें सिंपल कमीज बनाना और शलवार बनाना सिखाएं. तो सब कुछ एक व्लॉग में तो नहीं सिखा सकती क्योंकि एडिटिंग का भी होता है, टाइमिंग का मसला होता है. तो आज मैं आपको कमीज की वेरी सिंपल कटिंग सिखाती हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह उसी कमीज की दूसरी व्लॉग में पार्ट टू में सिलाई सिखाऊंगी और तीसरे ब्लॉग में शलवार की इजी कटिंग और सोइंग एक साथ सिखाऊंगी. सो बेसिकली ये थ्री पार्ट होगा. तो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन. तो इस कटिंग के लिए आपको जो चीजें चाहिए, पहले तो आपका अपना बनाया हुआ कमीज, ये जो मेरा परफेक्ट नाप का मेरा कमीज है, मुझे ये चाहिए. और ये जो मैं सिखा रही हूँ ये शेप वाली कमीज आपको सिखा रही हूँ, ये कुर्ता नहीं है, उसको हम शेप फ्री कहते हैं. तो ये शेप वाली कमीज आपको सिखा रही हूँ. आप इसके पीछे जिप भी डाल सकते हैं और आप प्लीट भी लगा सकते हैं, पर अब आज मैं आपको सिंपल कमीज काटना सिखाती हूँ. तो ये आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ एक कमीज आपको चाहिए. आपको पूरे सूट के लिए 5 गज मटीरियल चाहिए, पर कमीज के लिए आपको 2.5 गज चाहिए या फिर आपके लेंथ के मुताबिक 2 लेंथ्स चाहिए आपको. तो अगर आपकी लेंथ 36 इंच है तो आपको 2 गज कमीज चाहिए. अब मैंने 2.5 गज कपड़ा अलग कर दिया है. अब 2.5 गज कपड़े को मैं पहले मेजर कर दूंगी. Okay, so this is just to show you how to make a simple kameez. So what you'd need first is a simple straight cut kameez of part of your for your measurement, and then in terms of material you would need 2.5 meter. But it depends on your length. So my length is about more than 2.5 meter for this old kameez, but I'm making a little bit shorter than that. Mm-hmm. Because Nafia says she can wear that in night time. So I just take 2 length. मैंने 2 length ले लिए. ये 2 length लेके मैं इसको middle में half कर दूंगी. और कपड़े को हमेशा ऐसे काट लिया करें, यू करके रिप्ट ना करें. यू करके जब आप रिप्ट करते हो उसमें कान आ जाता है, ऐसे So make sure that you cut the material with scissors and not rip it, because then you have a longer corner piece sticking out. Yeah. अभी मैं 2 पीस को, ये जो मैंने 2 पीस काटे हैं, एक कनी को कनी से मिलाऊंगी. ओके, सो कनी को कनी से मिला के एज टू एज मिला के मैं ऐसे डाल दूंगी. So you got 2 pieces, one for the front, one for the back. Okay. Of the kameez. अभी कभी कभी हमारे पास एक्स्ट्रा स्लीव्स नहीं होते, तो हमने स्लीव्स भी इसी से निकालने होते हैं. उसके लिए, लेकिन मैं इससे स्लीव्स नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने काफी खुला बनाना है, नाफिया ने रात को पहनना है, तो मैं स्लीव्स अलग से बनाऊंगी, अलग कपड़े से लूंगी. लेकिन अगर आप कमीज काफी छोटा है तो आप इतना पीस मेजरमेंट कर दे और ये आपकी स्लीव्स का हो जाएगा. सो इफ यू इन द 2 पीसेस, इफ योर कमीज इज अ बिट स्मॉल, यू कैन एक्चुअली टेक द मटेरियल आउट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दीज 2 मटेरियल्स एज एक्स्ट्रा मटेरियल विल बी लेफ्ट. बट ऑब्वियसली इट्स फॉर मी, सो मम्स गोना यूज अ सेपरेट पीस ऑफ मटेरियल फॉर द स्लीव्स.
इस एज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि ये आपका एज बिल्कुल सही आ जाए. ठीक है, सो मेक श्योर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एज दैट इज क्लोजर टू यू. So make sure that the measurement kameez you've ironed out so that you have a true measurement. और अब अपने कमीज को ऐसे रखें. So आपकी कमीज का ये जो शोल्डर है, शोल्डर तकरीबन एक इंच कपड़े से नीचे होना चाहिए. आपके मोड़े बिल्कुल सही होने चाहिए. मोड़े मीन आर्म होल, के कोई भी चीज इधर उधर ना हो. ठीक है, और क्योंकि मैंने इस कमीज से थोड़ी सी छोटी बनानी है, नाफिया को रात के पहनने के लिए कमीज चाहिए. नाफिया नाइट ड्रेस ज्यादा पसंद नहीं करती, कमीज पहनती है छोटी सी. तो मैं अब आप देख लें, नाफिया आपको क्लोजर दिखा देगी. ये देखिए, मैंने पूरी कमीज को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिटा लिया. ठीक है, ये इसके बैक का नेक है, ये आर्म होल है. अच्छा, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं तो यू ही कैंची लगा के यू काट देती हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप आराम से इस किस्म का चौक ले ले, टेलरिंग चौक ले ले, और उससे अपने लिए निशान बनाए. तो आपका नेक इधर है, नेक से आपने हाफ इंच सिलाई के मुताबिक रख के निशान लगाना है ये. ठीक है, और इधर भी सिलाई की गुंजाइश रख दें और निशान लगाए, लेकिन निशान तिरछा होना चाहिए, यानी कि सीधा ना हो. ठीक है, और फिर यहां भी आके आप सिलाई के लिए जरूर सिलाई के लिए गुंजाइश रखें. So you put the measured kameez onto your material about an inch from the top. Then mum's confident without using the pencil, but if you want to use a pencil, draw how she has done, but make sure that you leave room for the actual sewing. आप लोग ऐसे बिल्कुल जैसे आपकी कमीज का मेजरमेंट है, उस कमीज के मेजरमेंट से 1.5 इंच खुला आप ऐसे चौक से निशान लगा ले. अगर आप चौक के बगैर कॉन्फिडेंट है तो कोई बात नहीं, चौक के साथ मत बनाए. ओके, निशान लगा दिया. अब ये देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं मेजरमेंट के करीब से नहीं काट रही हूं. ठीक है, आपने ये पीछे का गला दोनों का सेम काट दिया. और अब ये देखिए, ठीक है, इसको जरा साइड पे कर दे. और अब ये देखें, ये आपका पीछे का मोड़ा कटा हुआ है. ठीक है, आप इसको पिन भी कर सकते हो, लेकिन अगर चौक से लगाया है निशान तो कोई जरूरत नहीं है पिन करने के लिए. ठीक है, और अब ये आप अपने निशान के बराबर तकरीबन 1.5 इंच खुला आप सीधा निकल जाओगे. ये आपकी कमीज कट गई है. ठीक है, अब आपका जो मोड़ा है वो यहां तक है, तो आप यहां भी ये निशान लगा दोगे कि आपने यहां से सिलाई करनी है. ऐसे एक लेप दे दोगे. अब आपकी चाक जो है वो यहां है, तो चाक के लिए भी यहां सिलाई लगा दोगे, सॉरी ऐसे निप्सा लगा दोगे, ताकि आपको पता होगा कि आपने सिलाई यू शुरू करनी है, यू जाके यहाँ पे एंड करना है. So these are two nips to find out basically landmarks for the end of your armhole and also for the start of your side slit. Yes. So it goes from, so when you are sewing, you go from point A, which is right by your arm, to point B, which is right by your slit. Okay. अभी आपने पहले कटिंग के लिए मार्क्स लगाया था, अब आपने सिलाई के लिए मार्क लगाना है. तो आपका सिलाई का मार्क यू होगा, ये आपके सिलाई का मार्क है. So the first part of the mapping out was for the cutting. This second part
is for the actual sewing. Okay, अब ये जो आपका ये नेक है ये बड़ा है, ये वाला नेक छोटा है, तो आप क्या करोगे, आप ये पीछे वाला मोड़ लोगे. पीछे वाला आपने मोड़ दिया और अब कमीज को रख दोगे इस साइड पे. अब कमीज के नेक की कटिंग आ गई है कि अब हमने कमीज की नेक काटनी है. तो नेक काटने के लिए हमने, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का साइड है, तो फ्रंट की साइड पे हमने रख दिया है. So this is to cut the neck. So what you've done is fold up, fold down the first layer of material, and then you place your measured camise on top of your other material, and then you start cutting around the actual neck. तो ये देखिए, ये आपका half an inch हमने सिलाई के लिए ज़्यादा छोड़ दिया, ये आपका फ्रंट नेक करके. पर आपको अगर बड़ा नेक चाहिए तो आप इसको डीप भी कर सकते हो. अपने नेक से थोड़ा डीप चाहिए जो मेजरमेंट है, तो आप इसको ऐसे डीप भी कर सकते हो. अब इधर एक काम और है कि आपको ये जो है ये थोड़ा सा डीप करना, जो फ्रंट का हिस्सा होता है आर्म होल, वो थोड़ा सा डीप करना होता है. कौन वो? यू होता है कि आपको इस जो आपने कट नेप लगाया है वहां से शुरू कर लोगे और ऐसे जाके यहां से निकल जाओगे तकरीबन आधा इंच आपको. और आप फ्री स्टाइल से भी काट सकते हो, आप यू जाओगे. So that the front armhole is a bit deeper. So what you need to do is just cut about an inch deeper, half an inch or an inch. About three quarter inch यहाँ तक, तो तकरीबन एक उंगली से लेके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए, यहाँ तक आप निकल जाए. ठीक है, ये आपके दोनों स्लाइड हो गए. अब कभी कभी ऐसे होता है कि दामन में इधर कपड़ा सही नहीं होता या कुछ, तो आप दामन को भी सही करके काट लें. कभी कभी ऊपर नीचे होता है ना, तो उसको स्ट्रेट कर दे. ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया. अब स्लीव्स की तरफ आते हैं. स्लीव्स के लिए भी मैंने कपड़े को डबल कर दिया और ये एज टू एज सारे बराबर कर दिए. अब मैं अपने स्लीव्स को भी, जो मेरा मेजरमेंट का स्लीव्स है सॉरी, उसको मैं ऐसे रख दूंगी. ठीक है, सिलाई के लिए हमें इधर हेमिंग के लिए थोड़ा सा चाहिए होगा, आप पे डिपेंड करता है. आपको अगर थिक हेमिंग चाहिए तो 1 inch रख ले, अगर आपको पतली मशीन वाली हेम चाहिए तो आधा इंच भी रख सकते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा फस नहीं करना, नाफिया ने रात के लिए पहनना है तो मैं बस सिंपल ही रख रही हूँ. अच्छा, इसको भी अगर आप निशान लगा दे तो लगा दे, नहीं तो 1.5 inch अपनी साइज से 1.5 inch फासले पे काट ले. ये देखिए, जैसे मैंने 1.5 inch फासले पे काट दिया. ठीक है, और अब ये देखिए इसका मोड़ा यू बना हुआ है. ठीक है, अब आपने भी इसका मोड़ा यू ही बनाना है. अब इसको यू भी आप कर सकते हो और ऐसे करके निकल जाए, और आप फ्री भी कर सकते हो कि यू इसको निकाल ले. ये देखिए, पर यहां भी आपने एक छोटी सी निप देनी है ताकि आपको पता चले ये आपके शोल्डर के ऊपर आएगा. और सॉरी, एक बात बताना भूल गई, आप चौक से निशान लगा दें, जो आपका सिलाई का निशान होगा वो लगा दे कि मैंने इतना सिलाई करना है. और अगर नहीं लगाना चाहती तो भी चलेगा. तो ठीक है, ये फुल कमीज की कटिंग हो गई है. अब हम नेक का कपड़ा काटेंगे. हम जो हमारे पास रफ कपड़े बचे हुए हैं वो एक कपड़ा ले लेंगे. ठीक है, पहले हम काट लेंगे अपने फ्रंट के नेक को.
तो ये हमारा फ्रंट है, हमारा फ्रंट का पीस हम यू रख लेंगे, यू रख लेंगे और हम अपने ये नेक का पीस हम काट देंगे और इसको तकरीबन 3 इंच चौड़ाई में काट लेंगे ताकि हम इसको बुकरम लगाएंगे, इस नेक को हम बुकरम लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का हो गया और दूसरा लेंगे, ये दूसरा हम लेंगे पीछे के लिए। पीछे के लिए मैं हमेशा तिरछा कपड़ा काटती हूँ, यानी कि आड़ा कपड़ा काटती हूँ, पर आप ऐसे भी काट सकते हैं यू करके, ये पीछे के नेक के लिए काट ले फेसिंग करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा पीछे के नेक के लिए ऐसे करके कपड़ा काट देती हूँ, इसको कहते हैं तिरछा कपड़ा। सो मैं ऐसे करके ये एक पीस काट देती हूँ और इसको तकरीबन 2 इंच चौड़ा करके काट देती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि ये मैं पीछे के नेक को कैसे लगाऊंगी। तो ये मेरे पीछे के नेक के लिए कपड़ा हो गया। ये अब आपको मैं अपनी पूरी मुकम्मल कमीज दिखा दूं। ये मेरी स्लीव्स हो गए, ये मेरा पीछे का पार्ट वेव नेक पीस और ये मेरा आगे का पार्ट विद नेक पीस। सो दीज आर ऑल द पीसेस। मुकम्मल कमीज हो गई है, आपको अभी पार्ट टू में इसका सोइंग सिखाऊंगी, ठीक है। अल्लाह। सो मैंने आपको अपनी कमीज की कटिंग सिखाई, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी और आसान लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है कमीज की कटिंग करने का। अब इंशाल्लाह मैं अभी ही कमीज को सी रही हूँ, पर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है इतना बड़ा व्लॉग वीडियो एडिट करने के लिए, तो मैं कमीज की कटिंग आज अपलोड कर रही हूँ और कमीज का जो सिलाई का तरीका है वो मैं कल अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून और कल पार्ट टू कमीज की सिलाई भी देख लेना और प्लीज़ अपने कमेंट में बताना कि आपको मेरी कटिंग और सिलाई कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।